वीडियो में हम देखेंगे कि लद्दाख की जो जनता है उसके बीच में असंतोष क्यों है, क्या कारण है कि लद्दाख की जनता के बीच में असंतोष है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। पहले तो हम पेन ले लेते हैं, ठीक है, ये पेन हो गया। तो ये जो लद्दाख की जनता है उसमें असंतोष का कारण क्या है, थोड़ा सा इसका मोटाई कम कर लेते हैं हम। इसका मोटाई कम होने का रीज़न है क्या कुछ? ये तो गोल है, ये क्या है, चलो मोटाई नहीं होगा कम से कम। तो जैसे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा है समाप्त करके, जब से इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है तभी से वहाँ की जनता है कुछ बेहतर की आशा लगाए बैठी है। लेकिन लोक नीति सर्वेक्षण से पता चलता है कि जम्मू के 40% जो निवासी हैं, जम्मू के 40% निवासी विशेष दर्जे को समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं, और लद्दाख की भी कुछ ऐसी स्थिति है। और इस असंतोष के कुछ मेन बिंदु हैं, वो कौन कौन से हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश किए जाने पर स्थानीय निवासी खुश थे क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर उन्हें अपने बेहतर विकास के अवसर दिखाई दे रहे थे। अब 5 वर्ष के बाद भी लद्दाख को राज्य का दर्जा है वो नहीं मिला है। 5 साल हो गए हैं, 5 साल के बाद भी लद्दाख है उसको राज्य का दर्जा यहाँ पर नहीं मिला है। एक तो ये कारण है असंतोष का। दूसरा, लद्दाख को पूर्वोत्तर राज्य के आदिवासी क्षेत्रों की तरह संविधान की 6ठी अनुसूची में दिए जाने वाले प्रांत के दर्जे से भी वंचित किया जाता है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों के जो आदिवासी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्यों के जो आदिवासी क्षेत्र है उनको संविधान की 6ठी जो सूची है, 6ठवीं अनुसूची, उसमें जगह दी गई है पूर्वोत्तर राज्य के आदिवासी क्षेत्रों को, जबकि लद्दाख को उनमें जगह भी नहीं दी गई है। तीसरा कारण है, वहाँ लेह और कारगिल जैसे दो स्वायत्त पर्वतीय परिषद हैं, फिर भी स्थानीय शासन की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं है, कोई भी स्थानीय शासन नहीं है। जबकि लेह और कारगिल, एक लेह है और एक कारगिल है, दो यहाँ पर क्या है, स्वायत्त पर्वतीय परिषद हैं। आजीविका से जुड़ी स्थानीय चिंताएं, पानी की कमी, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय मुद्दे और चरवाहा समुदायों के लिए भूमि आदि प्रमुख विषयों पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। विधायिका का अभाव ही वहाँ के निवासियों की चिंता का प्रमुख कारण है। यहाँ क्षेत्रीय स्वायत्तता का अत्यंत कमी है, जो क्षेत्रीय स्वायत्तता है इसकी यहाँ पर अत्यंत कमी है। जब किसी प्रांत के लिए स्थानीय लोगों की स्पष्ट सहमति या विचार विमर्श के बिना निर्णय लिए जाते हैं तो इसका प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ना है वो स्वाभाविक है, और लद्दाख में ऐसा ही हो रहा है। ये जो लेख है तैयार किया गया है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके बेस पर ये लेख तैयार किया गया है। AFEIS ने इस लेख को तैयार किया है, और 22 अक्टूबर 2024 को द हिंदू में ये न्यूज़ आया था, उसके बेस पर ये लेख तैयार किया गया है कि लद्दाख की जनता में असंतोष क्यों है। बाकी हमने आपको एज ए ऑडियो फॉर्म में इसको दे दिया है। तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।